मालिक। क्या वो मालिक, बड़ा परेशान लग रहे हो। हाँ परेशान तो हूँ। तब अहिया से देखा था चलो गाड़ी में पूरा अगल का कब्बे से बैठे ना हुआ यार। और यार और चलो सब। हाँ हाँ बे, तुझे कैसे पता? मालिक पगार दे देते तो बढ़िया होता, घरे बचवा लोग भूखे बैठे हैं। भोसड़ी के 5,000 तो तेरा पगार है और ऊपर से तू मेरा 20 बार ले चुका है। 300 के हिसाब से जोड़ूंगा ना तो तेरे पगार से भी ज्यादा निकलेगा, समझा? वाह मालिक वाह, 300 रुपए बाहर तो 150 रुपए में मिल जाती है, वो भी अच्छी वाली। तुम्हारी तो गजकरण वाली है, कोई फ्री में ना ले। अबे चुप। अच्छा दीनदयाल ये बताओ, तुम गरीबों का कुछ सपना होता है कि नहीं? मालिक हम गरीबों का क्या सपना है, बस 2 वक्त की रोटी और बेटी का विवाह और सर ढकने के लिए छोटा सा मकान। चलो दीनदयाल आज तुम हमें अपना गांव ही घुमा दो। तो दीनदयाल ये बताओ, तुम ये सब करने के लिए पैसे कहाँ जमा करते हो? मालिक हमारे गांव में तो सब लोग LIC में पैसा जमा करते हैं, हम भी वही जमा करते हैं। उसमें क्या फायदा होता है तुम्हारा? मालिक हम तो 7 साल वाला स्कीम लिए हैं, उसमें जो 7 साल में जितना भरेंगे उसका डबल मिलेगा। उसमें मेरी आराम से बेटी की शादी हो जाएगी और घर भी बन जाएगा। क्यों ना मैं भी एक LIC कंपनी खोलूं जिसमें गरीब लोग इन्वेस्ट करें और मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, फिर बाद में गरीबों का सूद समेत पैसा वापस कर दूंगा। मालिक क्या सोच रहे हो? अबे दीनदयाल मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास भी एक जबरदस्त स्कीम है जिसमें पैसे 7 साल में नहीं बल्कि 6 साल में डबल हो सकते हैं। कौन सा स्कीम मालिक? दीनदयाल ये जो कंपनी है ये मेरी खुद की कंपनी है जिसका नाम है पल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बहुत ही अच्छी कंपनी है, हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो एजेंट का काम कर सके। मालिक हमारे गांव में ना एक सबसे पढ़ा लिखा इंसान है, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई भी इंसान नहीं हमारे गाँव में। कौन तो आपसे मिला है? मालिक ये हम गरीबों का झोपड़ा। अबे हट तेरी माँ का बसरा। तो बुलाओ तुम्हारे उस काबिल इंसान को। अरे मालिक बुलाना का है, क्या बैठा है ये? हाँ मालिक तो बुलाए। अरे बुलाओ कमलेश। ओ कमलेश ए लौडू। तो कमलेश कितनी तक पढ़े हो तुम? सर BA किए हैं। तो कमलेश 2 का टेबल सुनाओ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 9, 2 दूनी 5, लंट पकड़ के नाच। देखा मालिक हमारे गांव में काबिलियत की कमी नहीं है। ठीक है तुमको बताते हैं कब से काम पे आना है तुमको। अरे दीनदयाल तूने कैसे आदमी से मिला दिया यार, एकदम लंट आदमी था साला। अभी मुझे किसी और से मिलाओ, अच्छा आदमी रहे कोई तो। ओह नो मालिक बौराट का हुआ, बुलाए दूसरे आदमी को, नाम है उसका गुटका भाई, आता ही होगा। मालिक यही हो महान आत्मा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा तो बताओ 2+2 कितना होता है? अच्छा तो बताओ 5×2 कितना होता है? तो चलो मैंने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया, अब ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है लोहित तुमाल उर्फ गुटका बाय। अबे दीनदयाल ये तो तोतला है, ये क्या मेरा झाटा काम करेगा? मालिक ऐसे मत करो, मेरा गांव वाला है और बहुत गुस्से वाला है, वही तुमको लपेटेगा। अच्छा ठीक है तुम घर पे जाओ, यू आर रिजेक्टेड। अबे साले तुझे नाम बताने के चक्कर में 15 लाख गुटका ढूक दिया, पैसे का तेरा बाप देगा? बोला था ना मालिक बहुत गुस्से वाला है। ले लो भाई सुअर का तेल, हाथ में दर्द पैर में दर्द सबका दर्द मिटाएगा सुअर का तेल। भाई कैसे दे रहे हो सुअर का तेल?
साले कल से लेके आज तक 10 बार पूछ के जा चुका है, लेना देना तो है ही नहीं। भाग जाने साले, पटक के मारूंगा और ये तेल आधा तेरे घान में डाल दूंगा। सबका दर्द मिटाएगा ये सुअर का तेल। हाथों में दर्द, जोड़ों में दर्द, बीबी ने मारा तो एक बूंद लगाओ, दूसरी बार मारा तो 2 बूंद लगाओ, तीसरी बार मारा तो पटक के मारो। मादर चोद हो गई है, फिर उसको दर्द होएगा तो सुअर का तेल लगाओ। जोड़ों में दर्द, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, सबका दर्द मिटाएगा सुअर का तेल। क्या भाई, कड़ुआ तेल बेच रहे हो क्या? अबे साले, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, सुअर का तेल, सुअर का तेल, तुझे क्या कड़ुआ तेल सुनाई दे रहा है? लेना है ले, नहीं तो निकल। आटू साले। हाँ भाई, मुझे भी लेना है। ये जो मेरी रीढ़ की हड्डी है ना, बहुत दुखती है, उसको ठीक करना है, बहुत जरूरी है। क्यों, मुठिया मार के आया क्या? साले शकल से लग रहा है मुठिया मार रहा है तू। अबे वो सब छोड़, कितने का वो बता। लेगा 20 रुपए का है। चल ठीक है, QR कोड निकाल गूगल पे का। अबे साले, अपने जैसा मीठा समझाएगा? QR कोड मांग रहा हूँ, चुम्मा नहीं। वो तो नहीं है। ठीक है ठीक है, नंबर दे अपना। चल 98 96 95 97 98 घाट मार ले। चल हो गया, अब मैं जाता हूँ। साले 20 रुपए निकाल, नहीं तो दूंगा अभी तेरे जैसे। चोट लगता है, चोरों का खानदान का था वो सुनी वाला। साला ये दीनदयाल कहाँ मर गया? खैर छोड़ो, मैं ये तेल लगाता हूँ। अरे तो मूत है तेल की जगह पे। इसकी माँ का, इसको तो छोड़ूंगा नहीं। अबे चूतिया बनाते साले, चूतिया समझे क्या? सुअर के तेल के नाम पे मूत बेच रहा है, दूका है भी एक। साले तू कौन सा अच्छा इंसान है? तू भी तो मुझे 20 रुपए का चूतिया काट के गया। भाग जा यहाँ से, बहुत मारूंगा, अभी धंधे का टाइम है, निकल। अबे जनता को क्या चूतिया बनाता है, कम से कम भगवान से तो डर साले। साले कल ही भगवान को 20 रुपए का केला चढ़ा के आया। Oh no. भगवान से मेरा लेना देना चढ़ता है, तू निकल बाढ़ में। अच्छा तेरे लिए एक काम लाया हूँ, करेगा क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं करूँगा, पैसा देगा तो सब करूंगा, रेंट भी दूंगा। ठीक है ठीक है, कितना कमाता है? 3000 महीने का? नहीं साल का। चल ठीक है, कल मेरे ऑफिस में आ जाना। अरे मालिक भूल गए क्या, कल आपको तेल बेचा था। अब बताओ कौन सा रैप गाना है। अच्छा तू है क्या, और ये हुलिया क्या बना क्या है? ऐसे काम करेगा तू? अरे मुझे तो राम को ऑडिशन देने बुलाया है ना, मैंने तो घर से नाम भी सोच के आया है, यो यो बंटा सिंगर। ठीक है चल, तुझे बताता हूँ क्या करना है। तो मैंने एक पल्स LIC कंपनी खोल के रखा हुआ है, और उसमें तेरे को क्या करना है, लोगों के पास जाना है और उनसे इसमें पैसे जमा करवाने हैं, और जो उनके पैसे हैं 6 साल में डबल हो जाएंगे, समझा? हाँ समझा मालिक, लेकिन मुझे कितना पगार दोगे? अरे तेरा पगार तो टेंशन क्यों लेता है, मैं हूँ ना, मैं तेरे को दूंगा। साला किसको फंसाओ यार, जॉब पे तो हाई फाई लग गया हूँ, लेकिन यार बकरा कोई नहीं मिल रहा है। चलता हूँ गार्डन के बाहर, देखता हूँ कोई तो मिलेगा। What happened bro? बहुत परेशान लग रहा है, क्या बात है? हाँ भोसड़ी के परेशान हूँ, मेरी वाली दे नहीं रही है, अपने वाले से दिलाएगा क्या? हा, मेरी वाली भी नहीं दे रही bro, same situation। साले खड़ा क्या है, निकलना, अब क्या मेरा मुठ मारेगा क्या? साले ऐसा वैसा मत समझ, पल्स कंपनी में काम करता हूँ,
एजेंट टू एजेंट, पैसा डबल कर दूंगा पैसा। पर तो तू साले फकीर लग रहा है, तू क्या पैसा डबल कराएगा साले भड़वे। एक काम कर, तू अपनी गर्लफ्रेंड को भेज दे, कल तक डबल कर दूंगा उसको। मादर चोद निकलना भोसड़ी के, नहीं मारेगा खींच के। पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ, या तो उसको डबल कर दूंगा या तो उसका डबल कर दूंगा। लगता है सालों को स्कीम पसंद नहीं आई। बाहर में गया, दूसरा बंदा देखता हूँ। अरे भाई तुम्हें पता है रोज बीड़ी सिगरेट गुटखा वजह से कितने लोग मरते हैं, ये सब क्यों पीते हो, फेंक दो। देखो मेरे पास ना एक मस्त स्कीम है, तुम ना अपना पैसा ना पल्स प्राइवेट LIC कंपनी में जमा करवा लो, फिर दबा के बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, गुटखा पियो, जो पीना है पियो। अगर मैं मर जाओगे तो तुम्हारी फैमिली को कुछ तो कुछ मिलेगा। नहीं कराना है। अरे कर लो, लाइफ में कुछ तो करना चाहिए, एक बार करके तो देखो, मरने के बाद तुम कंपनी तुम्हें पैसा देगी। हटू एक बार बोला ना नहीं कराने का, समझता नहीं क्या? अबे करवा ले साले, ऐसी फुक फुक के नल्ले के जैसा मर जाएगा भोसड़ी के, करवा। अबे बोला ना साले नहीं कराने का है। साले नहीं कराना तो बोल देना, मार क्यों रहा है साले। रुक तुझे बताता हूँ, पिछले जन्म में मैं भाई था। अबे साले बुला तो रहा है पर कोई नहीं आया ना तो तेरी इधरी गांड मारूंगा। ऐसा है क्या? चल ठीक है, मैटर सॉल्व किया मैं, एक बार और सोच ले कराएगा क्या। अरे निकल ला उड़े साले, आज छोड़ दिया तुझे, मेरा मूड नहीं था तो कुत्ता बना के मारता मादर चोद। अरे यार साला हरामी निकल गया, LIC करवाया नहीं साले ने, आज का दिन ही खराब है साला, एक भी जन मिले नहीं। अरे वो कौन है? वो तो कोई गरीब लग रहा है, उसके पास कहाँ पैसा है यार, और खुद घास उपाट रहा है साला। लेकिन यार आज तो सुबह तो कोई मिला भी नहीं है, जाना पड़ेगा लगता है उसके पास, कुछ भी काम भी नहीं है, नहीं जाएंगे तो पगार कहाँ से आएगा। अरे चाचा इतने धूप में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, एक बकरी पाले ना, उसके लिए चारा लेके जा रहे हैं। अरे चाचा बकरी खिलाने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो खुद को खाने के लिए कितनी मेहनत करते होगे? अरे बेटा गरीब आदमी है ना, मेहनत नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेगा। अच्छा चाचा, तो कोई और नहीं है क्या घर पे कमाने वाला? क्या कर रहे बेटा, एक बेटा था वो भी गरीबी और भुखमरी के कारण पैदा होते ही मर गया, अब एक बेटी है उसकी शादी करा कर मैं भी चैन से मरना चाहता हूँ। पर चाचा शादी के लिए तो बहुत बड़ी रकम लगेगी, इतना पैसा लाओगे कहाँ से? क्या कर रहे बेटा, एक खेत है उसे गिरवी रख कर उसकी शादी कर लेंगे। अरे चाचा मेरे पास एक अच्छी स्कीम है, जो जमीन आप कल गिरवी रखोगे ना उसको आज ही रख दो, और पल्स प्राइवेट LIC कंपनी में पैसा जमा कर दो, फिर अपने बेटी का भी शादी हो जाएगा और जमीन भी आप छुड़ा लोगे और 6 साल में पैसा डबल हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो बेटा, ऐसा सच में हो सकता है क्या? क्या हो गया भाई, इतना गर्दी क्यों मचाए हो यहाँ पे, और ये सोया क्यों है? अबे अंधे लौड़े के, वो सोया नहीं है, वो मर गया है, हार्ट अटैक आया था। क्यों भाई क्या हो गया? अच्छा आदमी तो लग रहा था, बहुत भला दिख रहा था। अरे पल्स कंपनी में पैसा जमा कराए थे, कंपनी वाला पैसा ही लेके भाग गया और सुबह पता चला तो हार्ट अटैक में मर गया। अरे यार बहुत बुरा हुआ। ये आदमी तो जानते हो, यही था। अबे ये तो तेरे जैसा ही दिख रहा है बे। आ देख तेरी मैं की छूत, उसका दाढ़ी देख और मेरा दाढ़ी देख। अबे यही है ये। कैसी लगी वीडियो गाइस? अवेयर रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सोच लिया करा करो। और मेरे घर वाले भी डुबा चुके हैं 5 लाख, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट जरूर करना और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।